नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। आज हम बात करने वाले हैं अधिक मास में आने वाली एकादशी की। तो पहली जो एकादशी है वो आ रही है 27 सितंबर को। 27 सितंबर को आने वाली जो एकादशी है उसका बहुत ही महत्व है। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से भी इस एकादशी के बारे में बताया था। अगर आपको संतान प्राप्ति करना है या धन की प्राप्ति करना है, इन दोनों के लिए ही ये एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या है इस एकादशी से जुड़ी हुई एक छोटी सी कथा, पहले मैं वो आपको सुनाता हूं। इस कथा के अनुसार त्रेता युग में कीर्तवीर नाम के राजा थे। उसकी कई रानियां थी लेकिन कोई संतान नहीं थी। इस कारण राजा और रानी बहुत ही दुखी रहते थे। किसी महर्षि ने राजा को सलाह दी कि वे अपनी रानियों के साथ संतान प्राप्ति के लिए कठोर तप करें। इसके बाद राजा ने वर्षों तक कठोर तपस्या की। कठोर तपस्या के कारण राजा का शरीर कंकाल की तरह हो गया। इसके बाद भी राजा को व्रत का या तप का फल नहीं मिला। एक दिन राजा की एक रानी ने देवी अनसुईया से इसका उपाय पूछा। देवी अनसुईया ने रानी को पुरुषोत्तम मास मतलब अधिक मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करने की सलाह दी। व्रत की समाप्ति पर भगवान प्रकट हुए और वरदान दिया। कुछ समय बाद ही रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम कार्तवीर अर्जुन रखा गया, जिसकी वीरता की गाथा इतनी बड़ी है कि उसने एक बार रावण को भी बंदी बना लिया था। तो ये थी एक छोटी सी कथा। इस कथा से हमें ये समझ में आता है कि इस एकादशी का कितना महत्व है। इस अधिक मास में आने वाली ये जो एकादशी है, पहली एकादशी है, इसका कितना महत्व है। अगर आप इस एकादशी को श्रद्धापूर्वक भक्तिभाव से अगर इस एकादशी को करते हो तो आपको संतान की प्राप्ति अवश्य होगी और संतान में भी पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी अगर आप इसको अच्छे से करते हैं। अब विधि क्या है, मैं आपको विधि बताता हूँ किस विधि से आपको इस पूजा को करनी चाहिए। एकादशी का व्रत दशमी तिथि से शुरू हो जाता है, इसलिए दशमी को सूर्यास्त के बाद यानी कि 11 के एक दिन पहले जो सूर्यास्त होता है उसके बाद आपको भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें। स्नान करके पवित्र हो जाएं। एक चौकी पर यानी कि एक पटिए पर पीला कपड़ा बिछाकर उस पर स्वास्तिक बनाएं। फिर भगवान विष्णु की प्रतिमा या फोटो को उस पर स्थापित करें। किस पर? जो आपने चौकी बनाई है उसके ऊपर स्थापित करें। फिर दीपक जलाकर भगवान विष्णु को फूलों का हार पहनाएं। साथ ही तुलसी का पत्ता भी उनको अर्पित करें। भगवान विष्णु को तुलसी का पत्ता भी अर्पित करें। भगवान विष्णु का चालीसा, स्तुति, स्रोत और मंत्रों का जाप करें। फिर आरती के साथ पूजा संपन्न करें। पूरा दिन व्रत रखकर अगले दिन सुबह यानी कि 12 यानी जो द्वादशी होती है उस दिन की बात कर रहे हैं, अगले दिन सुबह व्रत का पारायण करें, मतलब व्रत को समाप्त करें। एकादशी का व्रत का पारायण अगले दिन ही किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से व्रत के फल की प्राप्ति नहीं होती है। ऐसा नहीं कि आपने जैसे ही दिन होगा और आपने कुछ ना कुछ खा लिया, इससे व्रत टूट जाता है और उस व्रत का पूरा पूरा फल आपको प्राप्त नहीं होता है। इसलिए पहला प्रहर जो होता है यानी कि सुबह 6 से 9 तक का जो प्रहर होता है उसमें आप कुछ ना खाएं, उस समय आप अपने व्रत का पारायण करें, इसके बाद ही आप कुछ खाकर व्रत को तोड़ें। तो ये थी एकादशी के व्रत की विधि। अगर आप इस अधिक मास में इस प्रकार से जो मैंने बताया इस प्रकार से अगर एकादशी का व्रत रखते हो तो आपको पुत्र की प्राप्ति और धन की प्राप्ति अवश्य होगी। जिस भी इच्छा या जिस भी मनोकामना को लेकर आप इस व्रत को करोगे वो अवश्य ही प्राप्त होगी। अगर आप धन की प्राप्ति करना चाहते हो या पुत्र की प्राप्ति या संतान की प्राप्ति करना चाहते हो तो इस अधिक मास इस व्रत को जरूर करें। अब मैं आपको इसका टाइमिंग बता देता हूँ कि कब से कब तक इसका टाइमिंग रहेगा। तो 27 तारीख को सुबह 6:12 से एकादशी प्रारंभ हो जाएगी और 28 सितंबर सुबह 8:04 तक ये रहेगी। ठीक है, अगर अब बात करते हैं पारायण करने की यानी कब इसको समाप्त करना है, तो इसका जो समय रहेगा वो रहेगा 28 सितंबर को सुबह 6:41 से
8:09 के बीच में कभी भी आप इसका पारायण कर सकते हो, अपना व्रत को तोड़ सकते हो। तो ये थी एकादशी से जुड़ी हुई बहुत ही महत्वपूर्ण कथा और उसकी विधि। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल ज्योतिष मंत्र को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए विषय के साथ। तो आप रहिए खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।